global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. हर पाँच महीने से यानी मार्च से अब तक हालत लॉकडाउन की है। अगर थोड़ा लॉकडाउन खुला भी है तो भी किसी का कारोबार नहीं है। हम जिस दुकान पे 1.5-2 लाख रुपए का रोज़ कारोबार करते थे, आज उस दुकान में 5,000 रुपए का सामान नहीं मिलता है। और लॉकडाउन में सरकार ने कह दिया कि सब लोग घर में रहो, कोई बाहर नहीं निकलो। अगर कोई गलती से बाहर निकला तो पुलिस ने मार मार के हाथ पैर तोड़ दिया। हालत यह है कि लोगों के पास खाने को नहीं है और सरकार सिर्फ ज़बानी खर्च कर रही है। बिजली का बिल जितना आता था उससे ज़्यादा आ गया, क्योंकि लोग घर में रहते थे, बिजली इस्तेमाल करते थे और घर इतना छोटा है कि पैर फैला के सो भी नहीं सकते। तो बिजली का बिल तुरंत माफ़ होना चाहिए। मेरी सरकार से है कि थोड़ा भी इंसानियत अगर है तो बिजली का बिल तुरंत माफ़ कीजिए। दूसरा, स्कूलों की फ़ीस का मामला है। स्कूल वाले अगर फीस नहीं लेंगे तो टीचर को तनख्वाह कहाँ से देंगे? जितनी ज़रूरी है सैलरी के लिए छोटे स्कूलों को, उतनी उनको फ़ीस देना चाहिए। और सरकार कह रही है कि फीस, सरकार को इसमें मदद करना चाहिए, स्कूलों को वो लोन दे दें विदाउट इंटरेस्ट, ताकि वो स्कूल चला सकें, अपने खर्च पूरे कर सकें। कुछ लोगों को कह रहे भाड़ा मत लो। अगर किसी इंसान के पास एक ही कमरा है, एक ही घर है और उसको भाड़ा महीने का 10-15-20 हज़ार आता है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसको भाड़ा नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? मर जाएगा वो। जितने कोविड से नहीं मर रहे हैं इतना मर जाएंगे। तो सरकार को 20 लाख करोड़ आया, वो कौन से हरामखोरी में जा रहा है? कहाँ है पैसा? वो पैसा ऐसे लोगों में सरकार को देना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए और बिजली की बिल माफ़ किया जाए। जो बिजली की जो टोरेंट कंपनी वगैरह ऐसी कंपनियाँ हैं, ये ज़बरदस्त दादागिरी से पैसे वसूल रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए और ऐसी कंपनियों में बंदिश लगाई जाए। अगर और आज महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20 वकीलों ने सुसाइड कर लिया है, कोर्ट नहीं चल रहा है, खाने को नहीं है और सरकार बैठी चुपचाप मजा कर रही है। मैं निवेदन करता हूँ मैं हमारी महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार से कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेकर के लोगों को बिजली के बिल माफ़ हो जाए, स्कूल की फीस के लिए स्कूलों को लोन दिया जाए और जो लोग घर वाले उनका भाड़ा नहीं मिल रहा उनको लोन दिया जाए विदाउट इंटरेस्ट। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।